हेलो माय फ्यूचर टीचर्स, दिस इज़ रूपाली एंड वेलकम यू ऑल ऑन एस्पायरिंग टीचर्स। दैट इज़ माय चैनल नेम एस्पायरिंग टीचर्स, अ स्मॉल स्टेप टूवर्ड्स योर गोल्स। तो आज के लेसन में हम बात करेंगे सीटीपी का टॉपिक, और सीटीपी के टॉपिक में हम बात करेंगे पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब इससे पहले हमने कुछ 3 लेसन्स हम देख चुके हैं, कर चुके हैं, तो अगर आपने वो लेसन्स नहीं देखे हैं पियाजेट की थ्योरी से रिलेटेड तो ज़रूर देखिए। उसके अंदर मैंने पियाजेट का कंसेप्ट, उनकी थ्योरी के बारे में और जो उनकी स्टेजेस है सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल स्टेज, वो मैं कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो लेसन नहीं समझा है तो आप प्लीज़ उसे पहले समझिए, देन हमारा आज का लेसन रहेगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के ऊपर, जो कि पियाजेट की 3rd स्टेज है। तो हम आज 3rd स्टेज डिस्कस करेंगे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आइए फिर देखते हैं इस स्टेजेस में पियाजेट जी ने क्या बताया है। तो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज जो होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो 7 से 11 वर्ष तक की होती है। जो 7 से 11 वर्ष तक का पीरियड होता है उसी को बोला गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इसको और क्या बोला गया है, इस एज के अंदर बोला गया है बच्चे को लेटर चाइल्डहुड स्टेज। जो लेटर चाइल्डहुड स्टेज होती है बच्चे की, वही होती है हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन कैन डील विद कॉन्सेप्ट ऑफ कंक्रीट। अब यहाँ पे मैं आपको पहले क्लियर करूँ कि यह मूर्त क्या होता है या फिर कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट का मतलब होता है कि जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और उनको देख के हम उनको समझ सकते हैं। तो जब अब तक चीज़ों को आप देखोगे नहीं तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और बेहतर तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगी। तो हमारा जो कंक्रीट कंसेप्ट होता है वो होता है टेंजिबल, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे के जो कंसेप्ट होता है वो किसके साथ डील होता है, कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के साथ, जिनको वो देख सकते हैं और छू सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज चिल्ड्रन कैन क्लासीफाई फिगर आउट डिफरेंसेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन द थिंग्स। अब बच्चे क्लासीफाई कर सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं। अब जैसे कि इस एज के अंदर 2 बुक्स हैं, यहाँ पर 2 बुक्स मैंने ली हैं कि बुक 1 एंड बुक 2। अब बच्चे के सामने दोनों बुक्स रखी हैं, इन बुक्स को बच्चे देख सकते हैं और अगर देखते ही बता सकते हैं कि इन दोनों बुक्स में से एक बुक दूसरे बुक से कैसे डिफरेंट है। तो यही होता है कि बच्चे जब चीज़ों को देखते हैं तो वो फिगर आउट कर सकते हैं डिफरेंसेस, कि उनमें क्या डिफरेंस है, क्या अलग है उनमें। नेक्स्ट पॉइंट इज इन दिस चिल्ड्रन कैन डू इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है हमारा, कि जब हमें जो चीज़ पता होती है तो हम नोन टू अननोन की तरफ जाते हैं, यहाँ पर स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट रीजनिंग भी चल जाती है। और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, जब हम रूल्स से कंक्लूजन की तरफ आते हैं या रूल्स से एग्जांपल की तरफ आते हैं, तो वो होती है हमारी डिडक्टिव रीजनिंग, जो कि हमें लेके जाती है अननोन से नोन की तरफ। तो यहाँ पर टीचर कोई भी रीजनिंग का यूज़ कर सकती है पढ़ाते समय। नेक्स्ट पॉइंट इज एबिलिटी टू कंजर्व डेवलप। इट मींस क्या होती है यहाँ पे, कि जो बच्चा है वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है यहाँ पर, वो उसको कंजर्व कर सकता है, आराम से समझ सकता है और बहुत ही बेहतर तरीके से बता सकता है। तो यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट उन्होंने बात करी है, क्वांटिटी की, क्वांटिटी एंड नंबर्स, जो कि किसके अंदर होते हैं, हमारे मैथ्स में। अब मैथ्स के अंदर काफ़ी कॉन्सेप्ट आते हैं यहाँ पे, जैसे कि हो गया एरिया, तो यहाँ पर इनके अंदर कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। तो यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग भी मैम यूज़ कर सकती हैं, टीचर्स यूज़ कर सकती हैं। एरिया, वॉल्यूम, हमारा जो सर्कल होता है, पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस, इन सब से रिलेटेड यहाँ पर बच्चे कॉन्सेप्ट सीखने लगते हैं, डेवलप करने लगते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट है रिवर्सिबिलिटी। तो ये क्वेश्चन पे मैं बहुत बार पूछा गया है कि रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट कौन सी स्टेज के अंदर आता है पियाजे के अकॉर्डिंग। तो ये आता है हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, कि इससे पहले जो स्टेज थी हमने पढ़ी थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट था कि बच्चे इरिवर्सिबल नहीं कर पाते। तो यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट है कि जैसे ही अगर यहाँ पे मैंने 2 × 5 लिखा है तो बच्चे अब यहाँ पर 5 × 2 करके बता सकते हैं कि 10 होता है। बट अगर इरिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट था जो पहली स्टेज में, अगर यहाँ पे 2 × 5 है तो बच्चों को अगर बोला जाए कि 5 × 2 क्या होता है तो वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने 2 × 5 ही सीखा था। तो ये था हमारा प्री ऑपरेशन स्टेज का, बट कॉन्क्रीट के अंदर रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट आ जाता है। यहाँ पर पियाजेट ने बोला है कि यहाँ पर आकर बच्चों का जो ईगो सेंट्रिज्म स्टेज थी, जो कि हमने प्री ऑपरेशनल में पढ़ी थी, यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बच्चे जो हैं
यहाँ पर पीयर ग्रुप फॉर्म करते हैं। पीयर ग्रुप में उनका अपना फ्रेंड सर्कल बनता है और उनके साथ वो उनके पॉइंट्स को भी समझते हैं और उनके साथ अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं। तो उनके लिए अब उनका जो थॉट्स हैं वो इतने मायने नहीं रखते जितना कि वो ग्रुप सर्कल में आ चुके हैं, पीयर ग्रुप की वो ज़्यादा सुनते हैं। तो यहाँ पे वो सबका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, तो यहाँ पर ईगो सेंट्रिज्म स्टेज ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट इज नो एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है हमारा, कि जब बच्चे नॉन लिविंग थिंग को लिविंग समझने लगते हैं। तो ये था हमारा एनिमिज्म का कंसेप्ट किसके अंदर, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। पर कॉन्क्रीट के आते आते, इस स्टेज में आते बच्चे जो एनिमिज्म का कंसेप्ट होता है वो हट जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। अब बच्चे नॉन लिविंग थिंग को नॉन लिविंग ही समझते हैं और जो लिविंग थिंग्स हैं उनको लिविंग ही समझते हैं। नेक्स्ट इज लेटर चाइल्डहुड। इस स्टेज को और क्या बोला गया है, लेटर चाइल्डहुड, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया। और इस स्टेज को प्री गैंग एज नहीं बोला गया है, ये स्टेज होती है गैंग एज, क्योंकि यहाँ पे बच्चे का गैंग फॉर्म होता है और यहाँ पे इनका जो ग्रुप है इनका ग्रुप फॉर्म होता है, फ्रेंड सर्कल ग्रुप फॉर्म होता है। और नेक्स्ट कंसेप्ट इज सीरिएशन। सीरिएशन क्या होता है, बच्चे एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं आगे, बहुत सारी चीज़ों को समझते कंसेप्ट क्लियर करके चलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर ये थे कुछ करेक्टरिस्टिक्स किसकी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, कि मेन करेक्टरिस्टिक्स मैंने डिस्कस कर दी है। अब हम पढ़ेंगे कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है इस स्टेज का। अब इस स्टेज के अंदर जो टीचर्स होती हैं वो इस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई कर सकती हैं एजुकेशनल में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। तो उसके अंदर मैम टीचर्स क्या करती हैं, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कराती हैं, सिंपल एक्सपेरिमेंटेशंस कराती हैं विद कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विल फैसिलिटेट देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसके अंदर जो टीचर्स हैं वो बच्चे को क्या प्रोवाइड कराती हैं, कंक्रीट या कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस। कॉन्क्रीट क्या होता है, कि जो बच्चे खुद से अप्लाई कर सकें, खुद एक्सपेरिमेंट कर सकें और ज़्यादातर लर्निंग वो सीख सकें। तो यहाँ पे सिंपल एक्सपेरिमेंट जिसके कि बच्चा खुद से कर सकता है वो चीज़ कराई जाती है, सिर्फ रीडिंग नहीं होती है इस स्टेज के अंदर आकर। तो वो अवॉइड करते हैं टू मच रीडिंग। तो यहाँ पे जो ज़्यादातर ये जो बुक से मैम रीड कराती हैं स्कूल के अंदर, तो उनको अवॉइड किया जाता है और अवॉइड करती हैं कि यहाँ पर प्रोवाइड लिमिटेड रीडिंग होती है, यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड ही रीडिंग होती है। मोर फोकस शुड बी गिवन ऑन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। ज़्यादातर फोकस किस पे दिया जाता है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जिससे कि बच्चे चीज़ों को देखें और उनको समझें। नेक्स्ट पॉइंट होता है मल्टी डायमेंशन मोड्स टू बी यूज्ड। अब यहाँ पे बहुत सारे तरीके के मोड्स को यूज़ किया जाता है जिससे कि जो स्टूडेंट हैं ज़्यादातर वो लर्निंग कर सकें, अपने कॉन्सेप्ट्स को वो क्लियर कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पार्ट लर्निंग एंड टीचिंग शुड बी मोर एम्फेसाइज देन मास प्रैक्टिस। तो ज़्यादातर टीचिंग जो होती है वो एम्फेसाइज की जाती है कि पार्ट लर्निंग, कि हम एक पार्ट को, एक टॉपिक को पहले क्लियर लेके चलेंगे देन हम मास पर आएंगे। तो सबसे ज़्यादा पहले एम्फेसाइज दिया गया है पार्ट लर्निंग पर। नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ शुड बी टॉट विद सिंपल एग्जांपल्स। जो बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कराने के लिए टीचर को जो डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं उनसे या सिंपल एग्जांपल्स हैं उनको रिलेट करना पड़ता है, जिससे कि जो बच्चे हैं उनकी बेहतर लर्निंग हो सके, बेहतर क्लैरिटी हो सके स्टूडेंट्स के कंसेप्ट की। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज़ एनालॉजीज टू शो रिलेशनशिप ऑफ न्यू मटेरियल टू ऑलरेडी एक्वायर्ड नॉलेज। अब जो बच्चों ने प्रीवियस नॉलेज है बच्चों के पास, तो उनसे लिंक करने के लिए टीचर्स नई नई एनालॉजीज यूज़ करती हैं जिससे कि वो रिलेशनशिप बिठा सकें जो उनकी प्रीवियस नॉलेज है और जो उनका नया कंसेप्ट है, तो उन दोनों के बीच में वो एक लिंक बिठा सकें, इसलिए ही टीचर एनालॉजीज का यूज़ करती है। तो ये थे हमारे कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। और इससे पहले हमने डिस्कस किया है उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स, जो कि ये जो टॉपिक है ये अपने आप में मैंने पूरा कवर कर दिया है और सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ लास्ट तक देखी है तो आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से अब समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट लेसन के अंदर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की, जो कि लास्ट स्टेज है पियाजे जी की। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज़ एस्पायरिंग टीचर्स, कीप सपोर्टिंग गाइज दिस चैनल। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आया है कंसेप्ट तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए जितना ही कि आप कर सकते हैं, और मोटिवेशन जो लेवल है वो आप मेरा बढ़ाइए जिससे कि आपको डेली ऐसे ही लेसन मिल सकें। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।